हेलो एंड वेलकम एव यूट्यूब चैनल फिलोसफी सिंपलीफाइड इंडियन फिलोसफी सीरीज से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ संबंध इन द कॉन्टेक्सट ऑफ न्याय फिलोसफी सो लेट्स बिगेन स्टैंड फॉर रिलेशन और कनेक्शन क्लियर संबंध इज द ऑफ संबंध आर रिलेशन आर कनेक्शन इन न्याय फिलोसफी तो बेसिकली चाहे हम मेटाफिज़िक्स देखते हैं चाहे हम पिस्मोलॉजी देखते हैं चाहे एक्सोलॉजिकल व्यू पॉइंट देखते हैं क्लियर्स तो वहाँ पर ना मेटाफिजिकली पिस्मोलॉजिकली या एक्सोलॉजिकली अब जब हम वर्ल्ड को देखते हैं वहाँ पे क्या है प्लोरलिटी है ड्यूलिटी है एक्सपीरियंस करते हैं जो हम अब प्रुर, चीज़ें प्लूरल होंगी जहाँ उनका जो ड्यूल नेचर है क्योंकि अगर वर्ल्ड का नेचर हम देखें तो वर्ल्ड जो है रियलिटी जो है या सबस्टांस जो है वो सिंपल सबस्टांस है क्लियर व्हाट वैन इट कम्स टू द फिजिकल वर्ल्ड फिनामिनल वर्ल्ड तो वो क्या है कंपोजिशन है ना जैसे जब विशेषज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ टॉक अबाउट मतलब नाइन काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस बट वैन इट कम्स टू द वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वेरी नाइन सबस्टांसिस तो जब हम नाइन सब्सटेंसेस की बात करते हैं नाइन सब्सटेंसेस मतलब जो कनेक्ट हुए हैं जो उनमें एक रिलेशन डेवलप हुआ है दैट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन बीइंग, तो उस चीज़ को समझने में हेल्प मिलती है जहाँ नॉलेज फॉर्मेशन में जब सेंसेस ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आती हैं तो एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है जहां हम इनफ्रेंस की बात करें मान लगा पाते हैं कि वेयर देर इज़ फायर देर इज़ स्मोक तो फोर स्मोक और फायर के बीच क्या है संबंध है तो इस तरह से टेक्निकली क्या है कि जो संबंध का कॉन्सेप्ट है वो मतलब बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है पिस्टमोलॉजी है एक्सुलाजी है जहाँ हम बोलें कंप्लीट फिलॉसफी को समझने में हमारी हेल्प करता है कि जो फिनोमिना है जो नॉमिना है है ना जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आती हैं किस तरह से फॉर्मड होता है सस्पेक्ट बीइंग है कौन सा बिकमिंग है तो वो सारा इसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं तो दिस इज बाय द इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ संबंध जितने भी कनेक्शनस हम देखते हैं चाहे मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल वर्ल्ड में हो जहाँ पेस्नोलॉजिकल वर्ल्ड में या एक्सोलॉजिकल वर्ल्ड में तो वो सारे एक जैसे नहीं हैं मतलब जो कनेक्शन है जो संबंध है वो एक जैसे नहीं हो सकते उनका नेचर एक जैसा नहीं हो सकता यही वजह है कि इनको क्लासीफाई किया गया है फोर पार्ट्स में जहाँ बताया गया है कि संबंध चार प्रकार के होते हैं बेसिकली वो कौन कौन सा है संयोग समयोगाव्या तदात्म्य एंड सबरूप संबंध तो इनको आज वन बाय वन हम देखने वाले हैं क्लियर सो लेट्स बिगिन बी द फर्स्ट वन दैट इज संयोग योग का मतलब क्या है कॉन्टैक्ट संयोग क्या है कॉन्टैक्ट और कंटैक्ट क्या है दो चीजों के बीच बट ये जो रिलेशन है संयोग ये क्या होता है टैम्पररी रिलेशन होता है जब दो चीज़ें टेम्पररी कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ राउंडिंग में देखें फिनोमिनल वर्ल्ड में देखें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ बट वो टेम्परेरी कनेक्शन है उनका क्या जा बोला जाता है अनित्य संबंध मतलब नॉन इटरनल कि वो इटरनल नहीं है वो क्या है नॉन इटरनल है मतलब चेंजेबल है और उसमें जो कनेक्शन है वो क्या है सेपरेबल है मतलब वहाँ पे जो दो चीज़ें हैं जो कनेक्ट हुई हैं उनमें सेपरेशन पॉसिबल है और आप उनको सेपरेट कर सकते हैं और उसके एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है दो चीज़ें जब एक दूसरे के कंटैक्ट में आती हैं बट वो दोनों अपना जो एग्जिस्टेंस है वो रिमेन रख पाती हैं और बट वो कनेक्ट होती हैं उस चीज़ को बोला जाता है संयोग उस चीज़ को बोला जाता है कॉन्टैक्ट कि आप मतलब चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं अब चेयर और आप क्या हैं उसका संबंध है ना एक रिलेशन है ना बट चेयर का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है आपका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है बट अभी आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपका और चेयर का कौन सा संबंध है संयोग थ्री टाइप्स रहती हैं और जहाँ पे हम ये बत मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से संयोग में या कॉन्टैक्ट के रिलेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाती हैं तो चलिए देखते हैं तो फर्स्ट वन क्या है अंतर तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है संयोग ये कब पॉसिबल होता है हम जानते हैं कि जो कॉन्टैक्ट है वो हमेशा दो चीज़ों में होता है और अन्यंतर कॉन्टैक्ट कब होता है जब दोनों में से एक चीज़ जो है मोशन में हो इसमें एग्जाम्पल है जैसे पड़ी हुई है और मैं अपना हाथ मूव करता हूँ बुक को पकड़ने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाती है कर रहा था पॉसिबल हुआ क्योंकि जो एक ऑब्जेक्ट था वो मोशन में था यहां पे हमें क्या पता चलता है कि जो कॉन्टैक्ट है वो पॉसिबल है जब कम से कम एक चीज जो है मोशन में हो कॉन्टैक्ट का जो रिलेशन है वो स्टेबलिश हो सकता है इन वन इज उठाया कॉन्टैक्ट कब पॉसिबल होता है जब दोनों चीजें जो है वो स्टेशनरी हैं मतलब मोशन में नहीं है बट जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू होता है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू एक मैग्नेट और एक आयरन को आप पास में रख देंगे बट वो दोनों मोशन में नहीं है बट जो मैग्नेट है अपनी एनर्जी से ही उसको क्या कर लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा दैट इज़ उथाया द लास्ट जो टाइप है दैट इज़ समज तो ये वाला जो कनेक्शन है जो कॉन्टैक्ट है वो किस थ्रू पॉसिबल होता है प्रीवियस कनेक्शन की वजह से जो प्रीवियस कंटैक्ट हुए उसकी वजह से फर्दर भी कनेक्शन बना मतलब जैसे चेन होती है एक बनी हुई कि चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं फर्दर कनेक्ट हो रही हैं फर्दर कनेक्ट हो रही हैं जैसे चेन होती है मतलब पूरी चेन क्या होती है कनेक्ट होती है ना उस तरह से जो इवेंट होते हैं वो भी चेन में, में होते हैं जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे कंटैक्ट में होते हैं बट वो एक पार्ट दूसरे पर डिपेंडेंट होता है दैट इज़ संजोजक हम कंटैक्ट की बात करें ओवरऑल तो एक संयोग की बात करें तो ये एक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है ये टेम्प्रेरी रिलेशनशिप होता है और ये इनसेपरेबल होता है जहाँ पे जो दोनों चीज़ें जो कॉन्टैक्ट में आ रही होती हैं वो उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये जो रिलेशन है इनसेपरेबल है जहाँ दोनों चीज़ों को आप सेपरेट कर सकते हो और उनके एग्जिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मतलब संयोग जो संयोग है या कॉन्टैक्ट है वो वहीं पॉसिबल होता है जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हों और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएँ क्लियर बट वो टेम्प्रेरी कंटैक्ट उनका क्या होता है टेम्पररी कनेक्शन होता है संबंध क्या है सेकंड जो रिलेशन है वो क्या है समा समवाय दैट इज़ इनहरस तो विशेषकर अकॉर्डिंग तो ये एक सेपरेट कैटेगरी भी है क्लियर तो जैसे यो ये समयोग के बिल्कुल अपोजिट है हम समयोग की बात करें वो क्या था अनित्य दैट इज़ टेम्पररी दैट इज नॉन एटर्नल बट वेन इट कम टू समवाया ये वो रिलेशन है जो क्या है नित्य है नित्य स्टैंड फॉर एटर्नल रियल परमानेंट और ये जो रिलेशन है ये क्या है इनसेपरेबल है जैसे वहाँ पे दो चीज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं ना बट वैन इट कम्स टू समवाया ये भी समवाया क्या है रिलेशंस है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है बट वो जो दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो इनसेपरेबल होती हैं आप उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते मतलब उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है जो दो चीज़ें समवाय से जुड़ती हैं कनेक्शन में आती हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता मैं ये बोल रहा हूँ वो दोनों अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर तो अगर आप उनको सेपरेट करते हैं वो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा क्लियर तो यही वजह इसको क्या बोला जाता है कि ये इनसेपरेबल रिलेशनशिप है तो यहाँ पे जो उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता तो यहाँ पे न्याय न्यायाशेषिका इसको फाइव टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं कि जो समवाय है जो इनहरेंस है वो पाँच तरह से हो सकता है जैसे पार्ट्स और होल के बीच ले लीजिए उसके पार्ट्स होते हैं एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है हो और बाकी उसके पार्ट्स होते हैं तो जो पार्ट्स और होल्स होते हैं वही एक चीज़ को कम्प्लीट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर उठा लिया कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स हैं है ना अगर होंगे तो वही कंप्यूटर होगा ना दैट इज़ होल बट हर एक पार्ट का अपना रोल है उसमें अगर सी को रिमूव कर दिया जाए ई को रिमूव कर दिया जाए प्रोसेसर को रिमूव कर दिया जाए मदरबोर्ड को रिमूव कर दिया जाए तो कंप्यूटर फंक्शन नहीं करेगा तो मतलब जो कंप्लीट पार्ट है दैट इज़ कंप्यूटर बट छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके और पार्ट्स और होल के बीच कौन सा रिलेशन है इनहरेंस का दैट इज़ समवाय कि जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर में समाये हुए हैं जब आप कंप्यूटर कहते हैं तो आप सब पार्ट्स को कहते हो नॉट कि एक पार्ट को और पार्ट्स और होल के बीच जो रिलेशनशिप होता है दैट इज इनहेरेंस आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते मोमेंट यू सेपरेटेड दर इज नो कंप्यूटर पर्टिकुलर और यूनिवर्सल के बीच जैसे कौ से आप कौनेस सेपरेट नहीं कर सकते पेन से पेननेस सेपरेट नहीं कर सकते मूवमेंट अगर कौ से कौनेस सेपरेट कर दें तो वो कौ तो है ही नहीं तो मतलब पर्टिकुलर और यूनिवर्सल का कौन सा रिलेशनशिप है पर्टिकुलर्स और यूनिवर्सल का कौन सा रिलेशन है समावाय तो मतलब यूनिवर्सल कहाँ इनहेयर करता है पर्टिकुलर्स में मेंस और क्वालिटी जो रिलेशन है वो भी क्या है समावाय इनहेरेंस अब जैसे क्वालिटी क्या है सबस्ट में क्या करती है इनहेयर करती है आप क्वालिटीज को सबस्टांस से अलग नहीं कर सकते मतलब जैसे एक पर्सन है और उसका कलर है पर्सन क्या हो गया सबस्ट उसका कलर क्या हो गया क्वालिटी क्या आप एक पर्सन से उसका कलर सेपरेट कर सकते हो नैबर का कलर है और उसका जो पर्सन है उसके साथ कौन सा रिलेशन है समावाय समवायर एक्शन के साथ भी सेम है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते दोनों सेपरेट हैं बट आप जो एक्शन है इट इन इनहर इन द सब्सांस सेम इज अ केस विद पर्टिकुलरिटी एंड एटर्निटी अब जो भी एक पर्टिकुलर सब्सांस है और वो क्या होगा एटर्नल होगा तो अटर्निटी क्या करती है इनहेर कर है पर्टिकुलर में तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो ये सारा था समवाय समबाई वो रिलेशन है जो परमानेंट होता है इनसेपरेबल होता है एटर्नल होता है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते तो मतलब समवाय के साथ जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं जो रिलेशन में आती हैं आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते जैसे कि संबंध में पॉसिबल है बट uh, समवाय में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है सो द थर्ड वन इज स्वरूप संबंध दैट इज सेल्फ रिलेशन तो न्याय की फिलोसफी में अगर हम देखें ना तो जो स्वरूप संबंध का मतलब क्या है सेल्फ रिलेशन मतलब ये इतना डीप है जैसे ए, ए, इसेंशियल कनेक्शन बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड इट्स डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स के बीच रिलेशन है वो दोनों चीज़ें बड़ी डीपली कनेक्टेड हैं मतलब देखें क्या मतलब होता है ओन फॉर्म आर एसेंस तो कोई चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है बट वो उसकी क्या है इसेंस है वो उसे सेपरेट हो भी नहीं सकती डैट इज बाई इट इज़ टर्म्ड एज सेल्फ रिलेशन सबरूप संबंध हैं तो अलग अलग बट वो एक दूसरे के बिना हो भी नहीं सकती हैं तो इसको हम एडेंटिटी भी नहीं बोलते हैं बट सब सबरूप का मतलब क्या है वो हैं डिफरेंट हैं बट एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है तभी उसको बोला गया कि, कि वो क्या है उसके लिए इसेंशियल है को ना दो प्रकार का बताया गया जैसे वृत्ति नियमक और वृत्ति अनियमक इसमें क्या है वृत्ति नियमक में क्या है चीज जो है दूसरी चीज से रिलेटेड तो है बट जो उनमें से एक है वो उसको गवर्न कर रही है जैसे जो माइंड और सेंसेस का रिलेशनशिप है ये क्या है वृत्ति नियमक के अंदर आता है कि जो माइंड और सेंसेस हैं इनके बीच जो रिलेशन है उसको बोला जाता है सबरूप संबंध अब होता क्या है सेंसेस आंखें खुली हुई हैं बट दिखेगा कुछ नहीं कब तक जब माइंड फोकस नहीं करेगा तो जैसे ही माइंड फोकस माइंड सेंसेस के कांटेक्ट में आएगा तो आंखों के सामने जो हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा तो जैसे ही माइंड स्किप करता है ना कान खुले हुए हैं सुन रहे हैं आंखें देख रही हैं बट कुछ भी दिखाई नहीं देता है कुछ भी सुनाई नहीं देता जब माइंड सेंसेस से कांटेक्ट में नहीं होता तो मतलब माइंड अगर सेंसेस को गवर्न करेगा तो वो फंक्शन करेंगी अगर नहीं करेगा तो फंक्शन नहीं करेंगी तो इनके बीच जो रिलेशन है उसको बोला जाता है स्वरूप संबंध और इसको नाम दिया गया है वृत्ति नियमक नियमक में क्या होता है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है दोनों होते हैं उनमें से किसी कोई भी एक दूसरे को गवर्न नहीं करता है सबसे आसा उसकी जो क्वालिटी है वो एग्जिस्ट कर सकती है उसको कोई गवर्नेंस की जरूरत नहीं है जैसे आत्मा का और कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप है न्याय के अकॉर्डिंग कि जब तक हम अलाइव हैं जब तक हम जीवित हैं तब तक जो आत्मा है वो कॉन्शियस रहेगी जैसे ही डेथ होती है कॉन्शियस लिव द बॉडी स्टेट में है तब तक आत्मा हमेशा क्या रहेगी कॉन्शियस रहेगी डेथ के बाद आत्मा की जो प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस वो खत्म हो जाती है तो यही इधर क्या बताया गया तो जब आत्मा की बात करते हैं वहाँ पे बताया गया कि आत्मा की दो तरह की प्रॉपर्टी है इसेंशियल एंड एक्सीडेंटल गॉड की बात करें तो वहाँ पर गॉड की कॉन्शियसनेस क्या है इसेंशियल प्रॉपर्टी बट वेन इट कम्स टू द जीवात्मा तो वहाँ पर क्या है एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी जैसे बर्थ होता है आत्मा में कॉन्शियसनेस आ जाती है जैसे डेथ होती है कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है बट जब तक आत्मा रहती है उसके साथ कॉन्शियसनेस रहती है तो मतमा और कॉन्शियसनेस का जो रिलेशन है वहाँ पे जो आत्मा है वो कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर रही होती कॉन्शियसनेस आत्मा को कंट्रोल नहीं कर रहा होता दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है सब संबंध वो जहाँ दोनों हैं वहां दोनों होते हैं जहाँ आत्मा होती है कॉन्शियसनेस होगी जहाँ कॉन्शियसनेस है वहाँ आत्मा होगी दैट इज अनिमक रूप संबंध लास्ट एंड द फोर्थ वन इज दैट इज रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी क्लियर तो ये भी क्या है एक संबंध है रिलेशन है जहाँ पे दो चीज़ें जो क्या होती हैं वो इस तरह से कनेक्ट होती हैं क्या उनको क्या कंसिडर किया जाता है वन जैसे मतलब इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ रिलेशन ऑफ नॉन ड्यूलिटी समसर्ग संख्या की बात करते हैं बटन मांसा की बात करते हैं जो अर्भिद की बात करते हैं तो वो इसको इं, इंटरनल रिलेशन कंसिडर करते हैं रिलेशन है काफी हेल्प करता है हमें ये समझने में भी किस तरह से जो दो चीज़ें हैं वो कंसेप्चुअली एक्जेंशली इनसेपरेबल हैं आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते है दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो मतलब बेसिकली जो आइडेंटिटी है तदात तो में है ये वो रिलेशन है जहाँ पे दो चीज़ें इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि वहाँ पे आप उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते इसको आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्या है जैसे की फीचर्स में बता रहा है कि तदात्म्य में क्या होता है जब दो चीज़ों के बीच जो रिलेशन है अगर वो आइडेंटिटी के रिलेशन से कनेक्ट हैं है, है ना तो उनमें क्या होगा उनमें पहले नंबर तो होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर जैसे फायर और हीट के बीच जो रिलेशन है वो क्या है आइडेंटिटी का तदात्म्य आप हीट जो है उसको फायर से सेपरेट नहीं कर सकते जहाँ फायर को हीट से सेपरेट नहीं कर सकते टी है है ना फायर क्या सब्सटेंस है बट आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते जहाँ फायर होगी वहाँ हीट होगी ही होगी तो ये जो रिलेशन है ना फायर उड ही इतदात में इसको बोला गया एडेंटिटी रिलेशन सेकेंड क्या था इनसेपरेबिलिटी कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते और पर्टिकुलर की बात करते हैं हम कौर कोउनैस को आप सेपरेट नहीं कर सकते नेसेसिटी क्या है थर्ड जो स्टेप बताया गया फीचर बताया गया तदात्मिक तो का रिलेशन का वो है रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड द नॉवर चाहे तो नॉवर होगा अगर नॉवर है तो नॉलेज होगा ये वो रिलेशन है जहाँ पे कोई भी ऐसी दो चीज़ें जो कनेक्ट होती हैं वो इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि वो देखने को एक लगती हैं मेटाफिजिकली होती भी बन है जब बात करें तो वहाँ पर क्या है तब मिलेगी नॉलेज तब आएगा जब क्या होगा आत्मा और परमात्मा पता चलेगा दोनों एक हैं चलिए कंक्लूड करते हैं तो आज हमने क्या देखा तो कॉन्सेप्ट ऑफ संबंध आर रिलेशंस तो ये जो चारों हैं न्याय ने, ने जो डिस्कस किए हैं जैसे क्या क्या था समवाय सबरूप और तदात्म्य ये चारों हमारी हेल्प करते हैं जो वर्ल्ड है उसका स्ट्रक्चर समझने में जो नॉलेज है उसका स्ट्रक्चर समझने में जो रियलिटी है उसका स्ट्रक्चर समझने में क्लियर ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं कौन से जो रिलेशंस हैं वो परमानेंट हैं कौन से जो रिलेशंस हैं वो टेम्प्ररी हैं काफी इंपॉर्टेंट है रियलिटी का स्ट्रक्चर समझने में नॉलेज का वैल्यूज का थैंक्स फॉर वॉचिंग